दोस्तों आज हम बात करेंगे आई ट्विचिंग की प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, आंखों का फड़कना। वैसे तो दोस्तों कहते हैं कि आंख फड़कना अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी ये प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम करने लग जाती, क्योंकि व्यक्ति को समझ नहीं आता करूं क्या। कभी भी फड़कनी चालू हो जाती है आंख, चाहे वो इस साइड की हो चाहे इस साइड की हो। कहते हैं कि आंख फड़कना अच्छा नहीं होता, उल्टी आंख फड़कने लग जाए तो कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन ये सब कहावतें हैं, कहने की बातें हैं, ये प्रॉब्लम बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो व्यक्ति बड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि कहीं बैठा है किसी से बात कर रहा है और अगर वो आँख फड़कने लग जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। करे क्या उसके लिए, कहीं वो टोटके करता है, आँखों को यूँ झुलपा के रखता है, कुछ का कागज से लगा लेता है, मतलब इस तरीके से मसलता है, लेकिन वो प्रॉब्लम आती रहती है। दोस्तों आज जो मैं पॉइंट लेके आया हूँ ना, सिंगल पॉइंट है, इतना ज़बरदस्त पॉइंट है ना, अगर ये आपको आई ट्विचिंग की प्रॉब्लम है, जी हाँ दोस्तों, वो चाहे आपके राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, दोनों की प्रॉब्लम का इलाज आज सिंगल पॉइंट लेके आऊँ, जिस पर मात्र मेथी दाना लगाकर, जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना लगाकर, एक्यूप्रेशर कर और मैग्नेट थेरेपी से आप इस आई ट्विचिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वो पॉइंट देखिए हमारे इधर होता है, ये आँखें आपकी जस्ट इधर आएंगे तो ये वाला पॉइंट पड़ता है। आपको डेली इस तरीके से 2 से 3 मिनट डीप प्रेशर देके इसको पॉइंट को एक्टिवेट करना है। मान लीजिए आपकी राइट साइड की आँख फड़क रही है, तो आपने इस तरीके से देखना नीचे ये जो ग्रूव आता है इसके जस्ट इधर 2 मिनट इधर दबाइए, और अगर लेफ्ट साइड की है तो आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से दबाना है। सिंपल 2 से 3 सेट कीजिए सुबह दोपहर शाम, फिर देखना ये आई ट्विचिंग की प्रॉब्लम है धीरे 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 खत्म होने लग जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों सीड थेरेपी की। जी हाँ दोस्तों, सीड थेरेपी में ऐसी कौन सी सीड है और ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पर ये सीड लगाकर हम ये जो आँख फड़कने की प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वो पॉइंट देखिए हमारे अंगूठे में पड़ेगा। देखिए सुजोग के अनुसार ये होती है अंगूठे में हमारी आँखें, ये होती है नाक और ये माउथ, ये इसके आँख के नीचे ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने आपको दिखाया यही सेम पॉइंट है। आपने क्या करना है, पेपर टेप लेनी है, इसके ऊपर इस तरीके से मेथी का दाना लगाना है पेपर टेप पर, और इस तरीके से इस पॉइंट को यहाँ चिपका देंगे इधर इस तरीके से। जैसे मान लीजिए राइट साइड में है तो एक एक मेथी दाना इधर, एक मेथी दाना इधर, और लेफ्ट साइड में तो एक इधर और एक इधर। और अगर दोनों ही प्रॉब्लम है आँखों में तो दोनों साइड आप मेथी दाना लगाकर इस तरीके से धीरे धीरे प्रेशर देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। बात करेंगे मैग्नेट थेरेपी की। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेट थेरेपी जिसमें दबाने की भी जरूरत ना पड़े और ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। दोस्तों इसके लिए चाहिए हमें ब्यूल मैग्नेट, एक तरफ से येलो और दोस्तों एक तरफ से होती है वाइट, और सेम लेंगे दोस्तों पेपर टेप। अब बात करेंगे मैग्नेट का कौन सा हिस्सा स्किन को टच करेगा, कौन सा हिस्सा हमें बाहर से दिखेगा। दोस्तों स्किन पे जो टच करेगा इसका येलो वाला कलर, बाहर से ये वाइट वाला दिखेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया आप इस तरीके से सिंपल इस पर लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने राइट साइड वाली में लगाया, अगर आपके राइट साइड में हुआ है प्रॉब्लम तो राइट साइड वाले में लगाएंगे, लेफ्ट साइड वाले में तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे। दोनों अंगूठों में लगाना है और कोशिश करें 8 से 10 घंटा इसको लगा के रखें। देखिए राइट साइड में है प्रॉब्लम तो दोनों राइट साइड में लगेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में है तो दोनों लेफ्ट साइड में। फिर देखना आप धीरे 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 ये प्रॉब्लम दूर होने लग जाएगी। मैग्नेट्स मंगाने के लिए संपर्क करें 7840042753। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक पे। नमस्कार।